आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एयरटेल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एयरटेल थैंक्स ऐप से एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप अपनी वीडियो केवाईसी के थ्रू फुल केवाईसी भी कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसी भी तरीके से आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास फिजिकल आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास फिजिकल आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं रहेगा तो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप वीडियो केवाईसी के थ्रू अपने अकाउंट की फुल केवाईसी कैसे कर लेंगे। आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होती है तो एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट आपका 24 घंटे के अंदर ओपन हो जाता है। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एयरटेल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, एयरटेल थैंक्स ऐप। एयरटेल थैंक्स ऐप में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन करके ओपन करेंगे, इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपके सामने आएगा, या फिर यहाँ पर एयरटेल का जो लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बैंकिंग ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको बैंक होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। एयरटेल का वैलेट, जब आप एयरटेल थैंक्स ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एयरटेल वैलेट में बाई डिफ़ॉल्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका UPI ID क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो भी आपका क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने के लिए वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने रहेगा, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओपन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ओपन बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओपन बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर योर सेविंग अकाउंट इज जस्ट वीडियो कॉल, यहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। यहाँ पर आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पर सेफ बताया गया है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सेफ है। यहाँ पर बेनिफिट बताया गया है कि आपको 960 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा, रिवार्ड्स पॉइंट वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है फ्लेक्सी अकाउंट लिमिट, यानी अपने अकाउंट पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलिमिटेड आप डिपॉजिट कर सकते हैं और आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे और भी इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड आधार कार्ड रेडी रखना है, आपके पास होना चाहिए फिजिकल पैन कार्ड, उसको आपको वीडियो केवाईसी के टाइम पे दिखाना होगा और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, वीडियो केवाईसी करनी है और उसके बाद आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर या फिर अपना वर्चुअल आईडी नंबर देना है। पर नीचे साइड यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर OTP सेंड किया जाता है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके आधार कार्ड से काफ़ी डिटेल ये मैच कर लेगा, जैसे आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, यहाँ पर देख सकते हैं। 3 स्टेप में आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट कंप्लीट होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे यहाँ पर फादर नेम देना है, यहाँ पर आपको मदर्स नेम देना है, मैटरनिटी स्टेटस मिल जाएगा, आप सिंगल है या फिर मैरिड है, यहाँ पर आपको अगर अनमैरिड है सिंगल है तो अनमैरिड चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है, नीचे यहाँ पर आपको प्रोफेशन मिल जाएगा, आप क्या करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, जो आपका करेंट एड्रेस, अगर आपका आधार कार्ड एड्रेस और जहाँ आप रहते हैं सेम है तो यहाँ पर यस कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आधार एड्रेस ले लेगा, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर मैन्युअली आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सेम है तो यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनी आ जाएगा, नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है, अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर देंगे और नॉमिनी की यहाँ पर आप डिटेल फिल करेंगे। नॉमिनी का यहाँ पर नाम डालना है, नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं, यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा तो यहाँ से कैलेंडर से सबसे पहले आप ईयर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देंगे तो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पर रिलेशन चूज कर लेना है कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं RBI रिक्वायर्ड वीडियो KYC वेरिफिकेशन, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग से पहले आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना होता है। जैसे साइड एयरटेल पेमेंट बैंक का वीडियो KYC का यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है कि आपको एजेंट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बताया जा रहा है इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए,
आपके पास आपका पिन कार्ड रेडी रखना है आपको। पिन कार्ड वहाँ पर आपको फिजिकली दिखाना होगा और यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह पूछी जाएगी, उस डिटेल्स को आपको वेरीफाई कराना है। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। शेड्यूल नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। से यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी में नाउ करेंगे तो आपका वीडियो वेरिफिकेशन शेड्यूल हो जाएगा इंस्टेंट के लिए। और यहाँ पर कॉल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देख सकते हैं डेट आ जाएगा और आपका टाइम आ जाएगा, एजेंट रेडी है। और यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट रखनी है, देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। यहाँ पर कॉल नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कॉल नाउ करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग लेगा, थोड़ा आपको वेट करना है। देख सकते हैं कि बैंक ऑफिशियल यहाँ पर जो भी एजेंट रहेंगे ज्वाइन हो जाएंगे। जी हेलो जी बोलिए। कैमरा चालू कर लीजिए सर, स्टार्ट शेयर कीजिए, बीच वाले बटन को दबाना, आप आएगा कैमरा वन, उसको ओके करना, स्टार्ट शेयर करना। ये आपके साथ और कोई लोग हैं खड़े तो ठीक, हम दोनों बात करेंगे, किसी को और मत बुलाना अपने साथ। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रसन्न कुमार है, मैं आपका स्वागत करता हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक में। आपके बचत खाते को खुलवाने में आपकी पूरी सहायता करूंगा, क्या मुझे देख और सुन पा रहे हो आप? जी सुन रहे हैं। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था, आप जो बात कर रहे हो और मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड हो रही है कंपनी के केवाईसी के लिए, वीडियो केवाईसी के लिए, तो आप क्या मुझे इजाजत देते हो कॉल को और आगे बढ़ाने के लिए? जी सर। ठीक है, ऐसी तरह पूछ लेना मुझसे कि मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताना, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, अभी आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हो? जी सर। ओरिजिनल पैन कार्ड मुझे ऐसे दिखाओ कैमरे पे एक बार। हाँ बिल्कुल सही है, रख लो इसको नीचे, नीचे रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी 2 मिनट के बाद। अब जैसा मैं पूछूंगा वैसे बताते जाना, कंफर्मेशन करते जाना। जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, रोजगार में आप स्टूडेंट हो, जी सर, पढ़ाई करते हो आप, और सालाना इनकम है आपकी 0 से लेकर 2.5 लाख, तो जानकारी सही है या गलत है? सही है। ठीक है, आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी की वेरिफिकेशन के लिए मुझे एरिया पिन कोड बताओ जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। आधार कार्ड पे जो एरिया पिन कोड, जहाँ पे फोटो रहता है ना आपके, उसके पीछे साइड पे एड्रेस के नीचे लिखा रहता है, वो पढ़ के बताओ। 48 70। बिल्कुल सही बताया, धन्यवाद। मैं खुद से ही बता दूंगा, घबराओ। पैन कार्ड का नंबर पढ़ के बता दो, पैन कार्ड के ऊपर में लिखा रहता है बीच में, GD94। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टाइम कितना हुआ है मोबाइल में देख के टाइम बताओ। 1:18। अब ये एक वीडियो कॉल है, इसके स्पष्टता के लिए आपकी एक फोटो की जरूरत होगी, तो आप कैमरे पर सामने देखो, मैं यहाँ से फोटो क्लिक करूंगा, तो आराम से देखना बस सामने, 1 मिनट के लिए ऐसे देखना बस। पर मैं लिखा आ रहा हूँ कैमरा 2-1 फेसिंग फ्रंट, जी सर। हाँ हाँ, उसी के आगे छोटा सा नोक का निशान बना हुआ है नीचे की तरफ, उसको दबाओ तो दिखेगा 2-0 फेसिंग बैक या 0 फेसिंग बैक। जी सर, उसको दबाना है। मिल गया आपको पहले, ये बताओ? हाँ मिल गया। नीचे से ब्लू बटन आ रहा है ना स्टार्ट शेयरिंग वाला, उसको स्टार्ट शेयरिंग कर दीजिए। 1 मिनट और रुक जाओ, एक चीज और करना है आपको, उसके बाद हम इसका फोटो लेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको पहले, अब जिस स्क्रीन पे पहले आधार कार्ड वहां से हटा दो, थोड़ा दूर कर दो आधार कार्ड को, कैमरे आधार कार्ड को हटाओ, पैन कार्ड को नहीं, पैन कार्ड सही था, आधार कार्ड को हटा दो, पैन कार्ड को तो सही रखो। अब जिस स्क्रीन पे पैन कार्ड दिख रहा है ना, उस स्क्रीन पे देखो ऊपर की तरफ 4 तीर का निशान दिखेगा ऐसा वाला। जी सर, दबा दिए। दबा दी, मेरा वीडियो हट गया वहां से। जी सर, अब कैमरे को थोड़ा पास में ले जाओ, पैन कार्ड के पास, ऊपर की तरफ, पैन कार्ड के ऊपर कैमरे को रखो। हाँ ऐसे रखना बस, 1 मिनट के लिए ऐसे रखना, आ जाएगा फोटो, बिल्कुल साफ आ गया। और एक चीज और बता दो, ये पैन कार्ड के ऊपर जो फोटो है ये ऐसे ही बन के आया है या फिर आपने कोई अलग से फोटो चिपकाया है उसके ऊपर अपना? बन के आया है। हाँ ठीक है, आप फुल स्क्रीन को हटा दो, 4 तीर के निशान को हटा दो, दबा दो एक बार। जी सर, दबा दिए। दबा दिए, अब इसी कैमरे को अपने चेहरे की तरफ घुमा लो, जल्द से जल्द SMS के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे खाते के संबंधित सारी जानकारी। अब खुद से भी चेक कर सकते हो, एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कभी भी अपना OTP और MPIN किसी को भी नहीं बताना। ठीक है, ठीक। कोई और जानकारी चाहिए आपको एयरटेल पेमेंट बैंक से, आपने पूछ लिया है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, उनकी कोई भी जरूरत नहीं रहना, 24 घंटे में खाता खुल जाएगा। ठीक है, वेरीफाइड होके देन, और उसके बाद आप 2 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। एयरटेल पेमेंट बैंक को चुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।
जैसे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, देख सकते हैं वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीटेड आ जाएगा और नीचे यहाँ पर लिखा रहेगा आवर टीम इज नाउ रीचेकिंग, जो आपका डिटेल्स है एयरटेल पेमेंट बैंक में रीचेक किया जाएगा और उसके बाद आपका 24 घंटे में अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए चेक स्टेटस वाली ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप एयरटेल थैंक्स ऐप में अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। देख सकते हैं वीडियो कॉल कंप्लीटेड हो गया है, आपका यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अकाउंट का क्रिएशन अभी देख सकते हैं प्रोसेस में है और जैसे ही 24 घंटे में आपका अकाउंट ओपन होगा तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एयरटेल पेमेंट बैंक में ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं नीले 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए टेक केयर।